हाय दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं वीवो का U10, जिसमें डिस्प्ले को चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ डिस्प्ले में प्रॉब्लम है कि लंबा लंबा दाग आ गया है और टच में प्रॉब्लम कर रहा है काम करने में। तो आइए मोबाइल को खोल लेते हैं। सिम ट्रे को निकाल लेते हैं, उसके बाद मोबाइल का बैक पैनल को खोल लेते हैं। बैक पैनल खुल गया है, फिंगरप्रिंट को अलग कर लिया। ये जितना भी स्क्रू है सारा स्क्रू को खोल लेंगे। ये स्क्रू खुल गया है, अब उठा लेते हैं इसको। इसको साइड में रखते हैं, उसके बाद बैटरी कनेक्टर को पहले खोल लेना है। उसके बाद बैटरी को रिमूव करना है, धीरे धीरे बैटरी को उठाना है। उसके बाद स्टिकर को पूरा उठा लेना है। बैटरी रिमूव हो गया है, ये रहा बैटरी, इसको साइड में रखते हैं। डिस्प्ले का पत्ता को खोल लेते हैं। उसके बाद डिस्प्ले को खोलते हैं, पहले साइड से हम लोग खोलेंगे। दोस्तों डिस्प्ले जो लगा हुआ है ये ओरिजिनल डिस्प्ले है, इसलिए थोड़ा मजबूती से लगा हुआ है। तो खुल रहा है धीरे धीरे, देखिए दोस्तों डिस्प्ले खुल चुका है। इसको साइड में रखते हैं। डिस्प्ले खोलने के बाद साइड में जितना सब लट्ठा लगा हुआ है सारा लट्ठा को धीरे धीरे से साफ करना है। हर बारी में इसको साफ मत कीजिएगा, नहीं तो फ्रेम का जो साइड है वो टूट सकता है। तो ये धीरे धीरे इसको साफ कर लेते हैं। चलिए साफ हो गया। डिस्प्ले रिमूव करते समय यह ध्यान देना है कि एयर स्पीकर का जो जाली है वो सही है कि नहीं है। तो इसमें सही से बैठा हुआ है। तो आइए डिस्प्ले को लगाते हैं। ये रहा नया डिस्प्ले। तो आइए डिस्प्ले को बैठाने के पहले जो डिस्प्ले का अट्ठा होता है पहले लट्ठा लगा लेते हैं। ये लट्ठा जो है T7000 मॉडल का है,
बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चारों साइड में लट्ठा लगा लेते हैं। लट्ठा लगाते समय दोस्तों ध्यान रखना है कि ज़्यादा लट्ठा देने से नीचे गिर जाता है, तो अच्छा से अट्ठा लगाना है। नीचे तरफ जो है इसमें कम करके अट्ठा लगाइए, नहीं तो डिस्प्ले का पत्ता जो है उसमें लट्ठा चल जाएगा और वो बोर्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो लट्ठा लगा दिए। लट्ठा लगाने के बाद आइए कॉम्बो में चलते हैं। कॉम्बो का नीचे में एक स्टिकर लगा हुआ है, जो स्टिकर को पहले रिमूव करना है। चलिए दोस्तों स्टिकर को रिमूव कर लिए। अब स्टिकर रिमूव करने के बाद इसको सीधा तरफ से सीधा करके बैठा देना है। देखिए दोस्तों हम इसको बैठा दिए हैं। आइए अब इसको फ्रेम में लगाते हैं। फ्रेम में लगाने के समय ध्यान रखना है कि नीचे का साइड पहले बैठाइएगा। नीचे का साइड पहले बैठाने का रहता है, नीचे बैठाने के बाद ऊपर बैठा देना है। तो डिस्प्ले बैठ गया। चलिए इसको सेटिंग करते हैं। पत्ता को लगा दिए। उसके बाद बैटरी को बैठाना है। चलिए दोस्तों बैठ गया है। चालू करके देख लेते हैं डिस्प्ले में लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जैसे देख रहे हैं वीवो का लोगो आ चुका है। तो बाकी काम जो बाकी है उसको हम कर लेते हैं। जितना भी नट खोले थे सबको लगाने हैं अभी। चलिए नट सब नट को टाइट कर देते हैं, जितना भी नट था इसमें। चलिए दोस्तों नट लगा दिए हैं। अब बैक पैनल लगाना है। पहले फिंगर का जो पत्ता है कनेक्टर के साथ बढ़िया से बैठाना है, ताकि इधर उधर ना हो। इधर उधर होने से कनेक्टर टूट जाता है। चलिए अब बैक पैनल को लगा लेते हैं। नीचे की तरफ बैठा देते हैं। उसको बैठा देते समय ध्यान रखना है, धीरे धीरे बैठाना है। सिम ट्रे जो था लगा दिया। देखिए ये खुल गया है। तो आइए डिस्प्ले को चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले ठीक ठाक है। इसमें दोस्तों रबड़ मारना है, तो ये रबर मार लेते हैं।
सावधानी से रबर लगाइएगा कि ज़्यादा डिस्प्ले में चोट ना लगे, चोट लगने से डिस्प्ले ख़राब हो जाता है और डिस्प्ले का कोई गारंटी नहीं रहता है दोस्तों, बढ़िया से लगाना होता है। ये लगा दिया, ये दोस्तों रबर लगा हुआ था, इसको काट लेते हैं। ये डिस्प्ले को देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा से बैठ गया है, क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है, तो चेक कर लेते हैं डिस्प्ले सही है कि। चलिए दोस्तों डिस्प्ले ठीक है, अब इसको इसका साइड में जो लट्ठा लगा हुआ है उसको साफ कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। चारों साइड साफ कर लेना है, देख सकते हैं दोस्तों इसका चारों साइड साफ हो चुका है, तो कि आप लोग को दिखा दिया कि डिस्प्ले कैसे लगाया जाता है। ये वीवो का फ़ोन है दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस कर जाइएगा।